ओम परमात्मने नमः। तो अब भगवान आगे के श्लोक से स्थिति प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगा नीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता एव च। जिस तरह कूर्म कछुआ अंगानी अपने अंगों को सर्वसह सब ओर से संहरते समेट लेता है, ऐसे ही यदा जिस काल में अयम यह कर्मयोगी इंद्रियोर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से इंद्रियाणी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठता स्थिर हो जाती है। अर्थात यहां भगवान कहते हैं कि यदा संहरते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यहां कछुए के दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके छह अंग दिखते हैं, चार पैर एक पूंछ और एक मस्तक, परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थिति प्रज्ञ पांच इंद्रियां और एक मन इन छहों को अपने अपने विषय से हटा लेता है, मगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थिति प्रज्ञ नहीं होता। यहां संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थिति प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यंत दोर नित्य संबंधा के अनुसार जहां यदा आता है वहां तदा का अध्याय आधार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है, तथापि यहां तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वदा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है, वह मनुष्य उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहां कालवाचक तथा पद देने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तो वहीं होती है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है, तो यही सूर्य और आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है, सूर्य तो पहले से जो का त्यों ही था, आंखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आंखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है, केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ है। ऐसे ही यहां इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता, और यह पर्दा भोगते हुए भी वैसा ही है परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा हटने से उसका अनुभव नहीं होता, और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। अतः यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। धन्यवाद। बोलें राधे कृष्णा।